दोस्तों आज मैं आपको यूनिक चीज़ें बताने वाला हूं जो मैं फॉलो करता हूं अपने लाइफ में, अपने करियर में ग्रो करने के लिए। तो आप भी इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको क्या किस तरह के आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स, UI/UX डिजाइनर, UX मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर जितने भी हैं हमारे वीडियो के चैनल पे ये कमेंट लिखते हैं कि कहाँ से कौन से आर्टिकल्स जो है पढ़ना चाहिए, कौन से पब्लिकेशन, कौन से ऑथर को फॉलो करना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्ट आर्टिकल मिले और उससे नॉलेज को गेन करके इस कंपटीटर मार्केट में अपने आप को सक्सेस करें एक नेक्स्ट लेवल पे। जी हाँ दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है मीडियम। मीडियम के थ्रू आप चाहे वेबसाइट पे भी मीडियम पे जाकर के आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, या एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है मीडियम, और इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ पब्लिकेशंस या ऑथर्स को फॉलो करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के टॉपिक्स हैं, जैसे कि आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट टैक्स और UX डिजाइन, ये सारे के सारे अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये पीपल है, मतलब ऑथर्स हैं, किसी ऑथर्स को आप पर्टिकुलरली फॉलो करना चाहते हैं तो उनके आर्टिकल्स आपको हमेशा होम पेज पे मिलते रहेगा। लेकिन सबसे जो यूनिक पॉइंट है दोस्तों, ये है पब्लिकेशन। पब्लिकेशंस आप जानते होंगे, जैसे कि मैग्रा हिल, एल्जेवियर्स के जो बुक्स पढ़ते होंगे या अच्छी अच्छी कंपनी का जो बुक्स होते हैं, उसी तरह का यहाँ पे पब्लिकेशंस है। और पब्लिकेशंस में बहुत सारे कैटेगरी है, किस कैटेगरी के आप पब्लिकेशंस के बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अच्छे जो आर्टिकल्स लिखते हैं ऑथर, वो बहुत सारे ऑथर्स को मिला करके एक पब्लिकेशंस होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पब्लिकेशंस में मल्टीपल ऑथर जो है सो अवेलेबल होते हैं, और एक पब्लिकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट ऑथर का मिलते रहता है। तो आप भी इस तरह का, जैसे वेब डेवलपमेंट गाइड के बारे में पढ़ना है, गूगल गाइड के बारे में पढ़ना है, फेसबुक के बारे में पढ़ना है, स्टार्टअप कंपनी के बारे में पढ़ना है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे पब्लिकेशंस में कैटेगरी बना हुआ है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस तरह के आर्टिकल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको सबसे यूनिक पॉइंट जो बताने वाला हूँ ये है पब्लिकेशंस। अब मैं कौन सा पब्लिकेशन को फॉलो करता हूँ आप ध्यान से देखेंगे। सी ऑल यहाँ पे मैंने टैब कर दिया, और टैब करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने मैंने फॉलो कर रखा है, ये सारे के सारे UI/UX डिजाइन, आर्ट डायरेक्टर, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, UX डिजाइनर के बारे में, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में, UX रिसर्चिंग के बारे में जो ऑथर्स पब्लिकेशंस हैं उनको मैंने फॉलो कर रखा है। अब सबसे बात इम्पोर्टेंट यह है कि आपको कौन सा फॉलो जो है से पब्लिकेशंस को करना चाहिए। अगर UI/UX डिजाइन में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कौन से पब्लिकेशंस को फॉलो करें ताकि आप एक्चुअल नॉलेज वहां से गेन कर सके। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे सबसे बेटर जो है ये है UX कलेक्टिव। यहाँ पे UX कलेक्टिव जो है ये बहुत ही बेटर एप्लीकेशंस यहाँ पे पब्लिकेशंस है, और यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट डिजाइन, यूजर रिसर्च और इस तरह के बहुत सारे जो है ऑथर्स यहाँ पे आर्टिकल आप देख सकते हैं। तो यहाँ इसको आप जरूर फॉलो करेंगे। दूसरी पॉइंट है स्केच के बारे में, अगर नॉलेज लेना है तो स्केच के बारे में ये आपका साइट है, यहाँ से भी स्केच का हर एक अपडेट के बारे में आप जान सकते हैं। जैसा कि स्केच 49 के बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे मैंने टैब कर दिया, और टैब करने के बाद इसके डिटेल आर्टिकल्स आप रीड कर सकते हैं। जैसा कि आप वेबसाइट पे भी इसका इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे भी बहुत ही बेटर लुक और बहुत ही अमेजिंग क्लियरिटी के साथ आर्टिकल्स यहाँ पे दिखाई देता है। डिजाइन एक्सपीरियंस जो है, लेकिन सबसे बेटर जो सबसे अच्छा पब्लिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे अच्छा जो एप्लीकेशंस कौन कौन है, एक आपको म्यूजली डिजाइन इंस्पायरेशन है, जहाँ पे हर तरह के डिजाइन इंस्पायरेशन को आप गेन कर सकते हैं। चाहे आप जो भी अपडेट होता है UI/UX या ब्रांडिंग से रिलेटेड, यहाँ पे हर तरह के न्यूज़ आपको इस पे मिलेंगे।
क्योंकि यहाँ पे सभी बहुत सारे जो हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और बिहेंस, ड्रिबल, सभी का जो है यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहता है। उसके बाद यहाँ पे है आपका स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड में भी आप देख सकते हैं कि यूआई यूएक्स से रिलेटेड, यूएक्स रिसर्च के बारे में, यूएक्स डिजाइन के बारे में, जो भी कैटेगरी से रिलेटेड आपको जानकारी लेना है उसके जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, उस टैब पे सेलेक्ट करके। ये सारे उससे रिलेटेड आर्टिकल होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हैकिंग यूआई भी बहुत अच्छा है, सेल्स फोर्स यूएक्स है, प्रोडक्ट हंट भी बहुत अच्छा है। तो इसमें जो जो भी अच्छे हैं वो मैं बता देता हूँ। यूएक्स टूल्स भी बहुत अच्छा है, और इनविजन के बारे में अगर पता करना है तो डिजाइन लीडरशिप बहुत ही अच्छा है। मास्टरिंग यूएक्स की बात अगर दोस्तों मैं करूँ तो मास्टरिंग यूएक्स जो है एक परफेक्ट यूएक्स रिसर्चिंग बिगनर के लिए बहुत ही बेटर है, और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी यहाँ पे आर्टिकल जो है बहुत अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे। तो आप इनको ज़रूर फॉलो करें, और हमें अगर ये सारे फॉलोअर्स को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, तो हमारे जो प्रोफाइल है उस पे जा कर के आप हमारे फॉलोअर्स जो जितने भी फॉलोइंग मैंने किया उन्हीं को आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं। डिजाइन और स्केच में अपडेट रहने के लिए, डिजाइनिंग के स्किल्स में अगर स्केच यूजर हैं आप, मैक यूज करते हैं, तो पूरे जानकारी आपको अपडेट यहाँ पे मिलेंगे। बहुत ही अमेजिंग ये पब्लिकेशंस है, और यहाँ पे आपको हमेशा हर तरह के डिजाइनर्स अपडेट न्यूज मिलते रहता है स्केचअप के बारे में। और इसी तरह से फेसबुक डिजाइन के बारे में आपको पढ़ना है। theuxblog.com बहुत ही बेटर पब्लिकेशन है दोस्तों, इसको भी फॉलो करना आप न भूलेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पे आप यूएक्स रिसर्चिंग के बारे में, यूएक्स रिसर्चर के बारे में, डिजाइन थिंकिंग के बारे में, जो भी आपको उसके बारे में जानना है यहाँ से आप उनके बारे में जान सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अगर आपने कोई भी बुकमार्क कैसे कर सकते हैं, आर्टिकल को अगर बुकमार्क करना है तो कैसे आर्टिकल को बुकमार्क कर सकते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लिया कि मैंने एक गया यहां पे, और इसमें मैंने किया डिजाइन प्लस स्केच। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस पे अगर बुक मार्क करना है तो इस पे आपको टैब कर देना है, ये जो आप देख रहे हैं। इस पे जब जैसे ही टैब करेंगे और यहाँ पे जब रिटर्न होंगे और इसमें जाएंगे बुक मार्क सेक्शन में, तो आपका बुक मार्क जो लेटेस्ट वाला है सबसे टॉप में आएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये आर्टिकल यहाँ पे बुक मार्क है। अब इसको मैं यहाँ से रीड कर सकता हूँ फ्यूचर में, क्योंकि जब कभी आप ब्राउज करते हैं एप्लीकेशन को उस टाइम आपको टाइम नहीं रहता है, आप सोचते हैं बाद में आर्टिकल पढ़ें, तो यहाँ से आपको बुकमार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको लाइक करना है तो लाइक कर सकते हैं, उन्हें वोटिंग दे सकते हैं ऑथर को। तो इस तरह से हमारे होम पेज पे अब क्या आएंगे वो मैं बताता हूँ। जो जो आप पब्लिकेशन या ऑथर को आप फॉलो करेंगे उनके अपडेट यहाँ पे, जो जो अपडेट वो करते रहेंगे एप्लीकेशन, उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड जो आर्टिकल्स है, जो आपका रिकमेंडेड आर्टिकल्स है, आपको होम पेज पे दिखाई देते रहेंगे जो जो पब्लिश करेंगे। तो ये है दोस्तों ईवाई ईवेक्स डिजाइन टेक्निक, जहाँ पे आप आसानी से अपने ईवेक्स नॉलेज को, ईवाई नॉलेज को, ब्रेन स्टॉर्मिंग को, प्रोडक्ट डिजाइन थिंकिंग को, और ईवेक्स का यूजर इंटरफेस से रिलेटेड जो भी रिलेटेड आपको जानकारी लेना होता है यहाँ से आपको हर तरह के जानकारी मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस रियली आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। तो दोस्तों इस वीडियोस को आप सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ एक एक वीडियो ज़रूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो में इतने मेहनत से, इतने टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताता हूँ, ताकि आपका भी, मेरे साथ साथ आपका भी करियर में ग्रो हो सके। दोस्तों हमारे वीडियोज़ पे हमेशा अपडेट, हमारे चैनल पे हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास ये नोटिफिकेशन मिलेगा, और उससे हमारे अपडेटेड न्यूज़ जो हैं आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद।